नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हाउ टू ग्रो मैरी गोल्ड प्लांट फ्रॉम कटिंग, कटिंग से गेंदे का पौधा कैसे उगाएं। दोस्तों देखिए, आप बरसात के दिन में बड़े ही आराम से कटिंग के द्वारा गेंदे का पौधा, मैरी गोल्ड का पौधा उगा सकते हैं। दोस्तों देखिए, गेंदा का पौधा उगाने के लिए आपको सावधानी यह रखना होगा कि आपको कटिंग को बरसात से बचाना होगा, डायरेक्ट बरसात का पानी कटिंग के ऊपर न पड़े। दोस्तों देखिए, हम हर साल अपने गेंदे के पौधे से तमाम पौधे तैयार करते हैं। ये देखिए, कटिंग से उगाया गया पौधा आपको दिखाई दे रहा है। दोस्तों देखिए, हम आपसे निवेदन करते हैं कि वीडियो को अंत तक देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अन्यों को शेयर करिए। दोस्तों अपने वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहली ज़रूरत आपको ज़रूरत पड़ती है कटिंग्स की। आपके घर में गेंदे का पौधा है तो अपने घर से कटिंग लीजिए, अन्यथा आपको जहाँ गेंदे का पौधा मिले वहाँ से कटिंग को कलेक्ट कर लीजिए। जो भी आप कटिंग लेंगे एकदम से हरा भरा और रोग मुक्त कटिंग लेना है, पत्तियाँ सिकुड़ी ना हो, कटिंग देखने में इस तरह की एकदम से अच्छी दिखाई देती हो, ऐसी कटिंग लीजिए। दोस्तों मुलायम कटिंग को लेना है, पुरानी टहनी को नहीं लेना है, पुरानी टहनी में जड़ें बनने में दिक्कत करती है, तो इस तरह से आप कटिंग ले लीजिए। दोस्तों देखिए, कटिंग लेने के बाद कटिंग के नीचे की पत्तियों को हम साफ कर देते हैं। पॉट आप देखिए, गमला आपको ज़्यादा गहरा नहीं लेना है, 4 या 5 इंच का गहरा गमला लीजिए। और गमले में ये देखिए, मिट्टी कौन सी मिट्टी, सॉयल मिक्स कौन सा डालना है। दोस्तों देखिए, हमारे नॉर्मल गार्डन सॉयल है जो हमारे पुराने गमलों से निकली हुई मिट्टी है, इसमें हम देखिए ये वेल्डेंड मिट्टी बनाने के लिए 3 चीज़ें इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए, राइस हस्क, धान की भूसी, और ये कंपोस्ट खाद, काउडंग कंपोस्ट, गोबर की कंपोस्ट। दोस्तों इसमें कोकोपीट मिलाने की ज़रूरत नहीं है, बालू मिला लेते हैं। ये देखिए, कंस्ट्रक्शन सैंड। तो इस तरह से धान की भूसी, कोई भी कंपोस्ट खाद और कंस्ट्रक्शन सैंड लेते हैं और इन्हें आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। दोस्तों देखिए, इसकी कटिंग को उगाने के लिए एकदम हल्की मिट्टी की ज़रूरत होती है। भारी मिट्टी में गेंदे की कटिंग उगाएंगे तो कभी भी ग्रो नहीं करती है। देखिए, 10 दिन का कटिंग का अपडेट है, हमने उगाया है और उगाने के बाद इसे हमने एक छोटे से पार्ट में 8 इंच के पार्ट में ट्रांसप्लांट कर दिया है। तो दोस्तों देखिए, इस तरह से आप मिट्टी की तैयारी कर लीजिए और मिट्टी को मिक्स करके ये हमने अपने पार्ट में भर लिया है। अब इस पार्ट में हमको कटिंग को लगाना है। कटिंग लगाने के लिए, कटिंग लगाने से पहले मिट्टी नम होनी चाहिए। अगर आपकी मिट्टी सूखी है तो हल्का सा पानी डाल दीजिए। कटिंग लगाने के बाद आपको पानी ज़्यादा नहीं देना है, इसको बरसात के दिन में छाया वाले स्थान में रखना है। इस तरह से आप अपने ज़रूरत के हिसाब से कटिंग्स को ले लीजिए। कटिंग में जो नीचे की पत्तियां हैं उन्हें साफ़ करें और इसकी जो कटिंग्स थोड़ा मजबूत है तो डायरेक्ट मिट्टी में प्रेस करके लगा दीजिए, लेकिन जो कमज़ोर टाइप की कटिंग है तो उसको लगाने के लिए पहले आपको मिट्टी में छेद करना है, छेद करने के बाद तब लगाइए। ये देखिए, हमने तमाम इसमें से पत्तियों को काट करके निकाल दिया था जो हमने आपको दिखाया। दोस्तों इस तरह से कटिंग एक एक लीजिए और प्रेस करके मिट्टी में 1.5-2 इंच तक आप धंसा दीजिए और इसके बाद अंगुली से मिट्टी को टाइट कर देना है ताकि हमारी कोई कटिंग पानी डालने के बाद गिरे ना। दोस्तों देखिए, हमारी मिट्टी एकदम से नम है इसलिए हम कटिंग लगाने के बाद पानी नहीं डालेंगे। अगर आपकी मिट्टी में नमी की कमी है तो आप कटिंग लगाने के बाद हल्का सा पानी ज़रूर डाल दीजिए और आगे पानी तभी डालिए जबकि आपको लगे कि आपके गमले के ऊपर की मिट्टी सूख गई है। मिट्टी सूखने के बाद ही पानी डालें, ज़्यादा पानी डालने से इसकी जड़ें खराब हो जाती है, फंगस लग जाता है और आपकी कटिंग चल नहीं पाती है। तो दोस्तों इस तरह से कटिंग को एक एक करके लगाइए और लगाने के बाद अंगुली की मदद से अच्छी तरह से टाइट कर दीजिए। ये देखिए, जो कमज़ोर कटिंग है इनको लगाने के लिए हम एक लकड़ी लेके छेद बना रहे हैं। छेद बना के कमज़ोर कटिंग्स को एकदम धीरे से, उसको ज़्यादा प्रेस नहीं करेंगे, धीरे से मिट्टी में लगा देंगे और मिट्टी में लगाने के बाद हम इसमें हल्का सा पानी डालते हैं। हमने पानी का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि हमारी मिट्टी कुछ नम हो गई थी, नमी कुछ ज़्यादा है और हम अपना इस पौधा को लगा करके छाए वाले स्थान में, शेड एरिया में रखेंगे। दोस्तों इसको जड़ें बनने में 10-15 दिन का समय लगता है, 10-15 दिन में अच्छी तरह से जड़ बन जाती है। इसके बाद आप जो है किसी गमले में रिपॉट कर दीजिए
दोस्तों देखिए इस तरह से आप अपना गेंदा का कटिंग ग्रो करिए, बहुत आसानी से कटिंग ग्रो हो जाती है, आपके पैसे बचते हैं, धन अगर घर में आप कटिंग उगा सकते हैं तो अपने पैसों को क्यों बर्बाद करना है। तो इस तरह से आप कटिंग उगाइए और एक पौधे से कटिंग लेकर के आप सैकड़ों पौधे तैयार कर सकते हैं। दोस्तों देखिए गेंदा का फूल बरसात के प्रति काफ़ी संवेदनशील होता है और अच्छे से अच्छा गेंदा का पौधा है या गेंदा की जो लोग खेती करते हैं, जैसे ही बरसात होती है गेंदा की खेती एकदम से जल जाती है, जल के राख हो जाती है, पौधे काले हो जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है नमी। दोस्तों अंत में बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।